लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के लिए गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन रहा। भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी, कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश धनगढ़ सहित मथुरा में 16 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से हेमा मालिनी, बहुजन समाज पार्टी से सुरेश सिंह, कांग्रेस से मुकेश धनगढ़, योगेश तालान, बहुजन मुक्ति पार्टी से क्षेत्रपाल सिंह, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से सुरेश चंद, इसके साथ साथ राष्ट्रीय समता विकास पार्टी से जगदीश प्रसाद कौशिक हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोनी फलारी बापू, पिंकी फौजन, भानु प्रताप सिंह, कमलकांत शर्मा, शिखा शर्मा, प्रवेशानंद स्वामी, इसी के साथ साथ रवि वर्मा, राकेश कुमार, रश्मि यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्र भरने के बाद प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भरने के बाद 5 अप्रैल को उनके नामांकन पत्र पर जाँच की जाएगी। इसके साथ साथ 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जाएंगे। मैं जनता का हित का कार्य करना चाहता हूँ, धर्म का कार्य कर रहा हूँ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सर्वसंभव है। आत्मा एक है, परमात्मा एक है, अनेक नहीं, रूप अनेक है, धर्म के अंग अनेक है, लेकिन धर्म का जो देवता है वो एक है। एक में सब है, सब में एक है, ये भाव रख। क्या मुद्दे हैं आपके जिन्हें लेकर? हमारे मुद्दे जनता का हित का कार्य होना चाहिए। क्या कार्य होना चाहिए? लोअर टू टॉप, टॉप टू लोअर। जो अन्न वस्त्र निवारा, जल और हवा पानी लाइट, ये मुख्य गरजा है। ये गरजा नियमित जनता के हित के लिए होना चाहिए। कितनी उम्मीद है आपको पर्चा बढ़ाया कि आप? हम 5 लाख वोटों से चीन के आएंगे, ये मेरी गारंटी। अच्छा, तो पहले आप कभी चुनाव लड़े हैं कोई? मैं राष्ट्रपति का उम्मीदवार था। अच्छा, उम्मीदवार हुए हैं? राज्यसभा के 2 बार उम्मीदवार था। अच्छा, उत्तर प्रदेश लोकसभा का पिछले बार हेमा मालिनी के सामने भी मैं उम्मीदवार था। अच्छा, 2 बार छाता से विधायक उम्मीदवार था। इस बार भी आप अपनी उम्मीदवार को कितना मजबूत मान रहे हैं? हो 99%, 5 लाख वोट्स अगेन। क्या मुद्दे जनता के बीच जाएंगे, क्या कहेंगे? ये मुद्दा है हमारे, बार बार किसी भी चुन के देने का नहीं, एक उम्मीदवार एक बार जाना चाहिए। सबको अधिकार है, समान नागरिक कायदा है, नारी को भी अधिकार है, पुरुष को भी अधिकार है। जो उसमें रस लेके जनता का हित का कार्य करेगा, उसको जनता चुन के देगी। आज कोई पार्टी का कोई चात नहीं है, सब जेल में भोगी बन के जा रहा है, कार्य करने का नाम नहीं है। जो कार्य करेगा असलियत जनता का हित का करेगा, उसको करप्शन करने की जरूरत नहीं। हम राजस्व विभाग में आएंगे, कमीशन एजेंट नहीं बन के आएंगे, काम करके जाएंगे।